पोजीशन वेक्टर, पोजीशंस का मतलब कोई भी पार्टिकल कहां पे उसका पोजीशन बताना है। पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, जैसे तुम्हें अगर बताना है तुम्हारा घर कहां पे है तो एक रेफरेंस लेते हो, तुम्हारा घर नासिक रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर इधर है, ऐसा कुछ कहते हैं, एक रेफरेंस। तो वैसे ही अगर मान लो एक पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है तो ओरिजिन से लेते हैं ना, ओरिजिन 0.0 से जेड कोऑर्डिनेट में लिए तो 0.0.0 और ये पॉइंट को मिला दिया ओरिजिन से, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, इसी वेक्टर्स को बोलते हैं ओए वेक्टर, लेट्स दिस इज कॉल्ड आर, इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1, z1 है, इसका पोजीशन दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिया, तो शायद मैंने समझाया बच्चों कि ये पॉइंट ऐसा है, जेड वन कॉर्डिनेट है, मतलब सोचो कि यहां पे ये पॉइंट एक्चुअली पी, यहां पे नहीं है ए, यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो इसको लिखते हैं एक्स वन कॉर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस एक्स वन है, ये डिस्टेंस वाई वन है और ये डिस्टेंस जेड वन है। एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, यही ये वेक्टर है, ये तीन वेक्टर का समेशन, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप। देखो ये सारे में तीनों वेक्टर अरेंज्ड है, तो ओए वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। सो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि समझ में आ गया होगा यहां तक। यस, ध्रुव पाटिल ने कहा सर समझ में आ गया। अगर मान लो कोई दूसरा पॉइंट है बच्चों बी, मैं पूछूं इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर कहेंगे ओ बी, इसका लेट्स कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, कोऑर्डिनेट्स पता है तुम्हें, तो कभी भी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, सो OB विल बी रिटन एज, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, x2i cap y2j cap plus z2k cap। अब कभी कभी सवाल काइनेमेटिक्स में मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, काइनेमेटिक्स कि एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे और ये मूव करते हुए बी पॉइंट पे आ गया है ना, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, और तुम लोग थोड़ा सा सुने होगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम्हें पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज ए से बी को मिला दो, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से जहां से चला जहां तक गया उसको मिला दो, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, फाइनल पॉइंट पे एरो ड्रॉ कर दो, जो वेक्टर बनेगा वही वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। और भी तरीके से इसको बोलते हैं वेक्टर के टर्म में, ये कहा दैट मीन्स ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, तो देखो मैं यहां पे बता रहा हूं ट्रायंगल रूल, ओ ए प्लस ए बी
This is equal to OB. Triangle rule of vector addition, both basic. OA plus AB equal to OB. मुझे AB चाहिए. What we can write? AB equal to OB minus OA. कुछ बच्चों ने पहले ही आंसर मुझे बता दिया है. पार्थ पाटिल बता दिया, लक्ष्मी भी बताई थी, श्यामा ने बताया, और भी बच्चों ने बताया था, अनिकेत, यज्ञेश ने सबसे पहले बताया. AB इक्वल टू OB माइनस OA. OB को बोलते हैं कभी कभी फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब B पॉइंट पे फाइनल आया तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, माइनस ओए को बोलेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर. बताओ ये पूरा थ्योरी समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो अपने नोटबुक में, कोई डाउट है पूछ लो. सो हम लोग आज सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, और हाउ इट इज डिफाइंड. दिस इज डिफाइंड एज अगर दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, सो दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. वहां पे कॉस थीटा था तो कुछ बच्चे ऐसे भी गेस वर्क कर लेते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा होगा, ए बी साइन थीटा. लेकिन आप कहोगे सर आपने तो कहा कि प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, तो ये तो है स्केलर, ठीक है, तो एक वेक्टर लिख लेते हैं इतना इनटू एन कैप. तो एक स्केलर क्वांटिटी है और वो मल्टीप्लाइड है एक यूनिट वेक्टर से. ये यूनिट वेक्टर कैप दिया हूं मतलब यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर किधर है, सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर कहने की जरूरत है नहीं बिकॉज हमने कैप दे दिया है ना. दिस यूनिट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू A as well as perpendicular to B. A के भी perpendicular है, B के भी perpendicular है, ये n cap. This implies perpendicular to plane made by A and B. ए और बी को मिला के, दो वेक्टर्स को मिला के एक प्लेन बनेगा बच्चों, है ना. दो लाइन मिला के, जैसे ये लाइन, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर. अभी ये बोर्ड का प्लेन बना रहा है दोनों. मान लो एक वेक्टर सी वेक्टर है, ऐसा ये सी वेक्टर है बच्चों, तो एसी मिला के ये प्लेन बना रहा है. देखो ये प्लेन होगा एसी. अगर मैं कहूं कि बीसी कैसा प्लेन होगा तो देखो ये बीसी ये प्लेन होगा, है ना. अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे दो वेक्टर्स का तो डिफरेंट प्लेन हो सकता है, या दोनों सेम भी हो सकता है. अभी अनिकेत ने कहा सर कोप्लेनर क्या होता है, तो सेम प्लेन में होगा तो हम कहेंगे कोप्लेनर, बट उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो कहा कि ये जो n कैप है वो परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, दोनों के परपेंडिकुलर है. तो कहोगे सर एक प्लेन के तो दो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर, जैसे बोर्ड का प्लेन इधर और इनटू द प्लेन, ये भी है आउट ऑफ द प्लेन एंड इनटू द प्लेन. तो ये n कैप कौन सा है, वो दो डायरेक्शंस में हमें चूज करना है कि कौन सा है. सो दैट डायरेक्शन
डायरेक्शन विल बी गिवन बाई राइट हैंड कर्ल रूल. आप कहोगे सर ये एक नया चीज आपने लिख दिया, राइट हैंड कर्ल रूल ये क्या है, या कभी कभी इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं. तो मैं समझा रहा हूं क्या है ये एनकैप का डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे. तो सारे बच्चे देखना, ए क्रॉस बी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी. तो स्ट्रेच योर फिंगर्स अलोंग ए ए, उसके बाद देखो कर्ल कह रहा है, कर्ल करो किधर, बी के तरफ. डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एनकैप. सुन लिया बच्चों, नेटवर्क तो अभी सही होगा. स्ट्रेच योर फिंगर अलोंग ए, ए के तरफ स्ट्रेच करो, बी के तरफ कर्ल करो, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर. कहोगे सर मुझे मन कर रहा है ऐसे स्ट्रेच करने का, ऐसे ठीक है कर लो स्ट्रेच करो ऐसे. अब मैं कहूंगा बी के तरफ कर्ल करो, हो पाएगा क्या कर्ल, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना. तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा. बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, न्यू जनरेशन के बच्चे हो, तुम कहते हो सर मैं तो ऐसे ही करूंगा स्ट्रेच, बट मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर से बी के तरफ आऊंगा. पूछ सकते हो, तो इधर से जब आओगे है ना, तो ये गलत होगा. क्यों गलत होगा, बिकॉज अब मैं बताता हूं कर्ल उधर से करना है जिधर एंगल जैसे डिफाइंड है, एंगल के अलॉन्ग. तो हमने दो वेक्टर्स का एंगल ये डिफाइन किया था, ये नहीं, इसलिए वहां पे बहुत फोकस करके बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो स्मॉलर देन 180 है उसी को कहते हैं. सो वी शुड कर्ल थ्रू दिस एंगल, नॉट थ्रू दिस. ओके, कुछ बच्चों ने कहा सर दिस इज सिमिलर टू द क्रॉक स्क्रू रूल. बच्चों ये देखना, एक्चुअली पूरा जो हम लोग साइंस कम्युनिटी या पूरा टेक्नोलॉजी भी है इसी कन्वेंशन को मानता है. तुमको कभी ना राइट हैंड कर्ल रूल का समझना यूज, कभी तुम लोग कोई नट वोल्ट टाइट किए हो क्या, या कभी टाइट करना होता है या ओपन करना होता है. और बता रहा हूं मैं तो 10th तक ना भूल जाता था, कभी ओपन करना होता था तो कब लगता था कि मैं टाइट कर रहा हूं, कि ओपन कर रहा हूं पता ही चलता था. कभी ऐसे ट्राई करता था, कभी ऐसे करता था. या स्क्रू कभी तुमने इन किया, ये किया ओपन करना है, लेकिन तुम समझो कि आज से तुम्हें वो तकलीफ नहीं आएगी. अगर तुमने जैसे ये है खोलना ओपन करना है, ऐसे करो तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे करो ऐसे टर्न करो, राइट हैंड से करना है लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से. और टाइट करना है नीचे ले जाना है तो यू जस्ट स्क्रॉल इन दैट वे. मैं बचपन में बहुत ऐसे काम करता था और बहुत परेशान होता था कि टाइट. और नॉर्मल ये बच्चे क्या मतलब बड़े लोग भी जो साइंस से रिलेटेड नहीं है वो ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे करूं या ऐसे करूं. तो सारे जो ग्रूव बना है, जो उसने बताया किसी बच्चे ने सर जो स्क्रू होता है वो उसी सेंस में ही बनाया जाता है. ओके एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो सर. अगर बी से कर्ल करना शुरू किया तो वो, हाँ मैं बता रहा हूं ए क्रॉस बी जब करना है तो सबसे पहले हमने क्या भी बताया डेफिनेशंस, तुमने सही पूछा सवाल, ए क्रॉस बी तो फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग स्ट्रेच करो एंड देन कर्ल टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर. एम आई क्लियर?
एंगल ऑब्टूस होगा तो क्या करेंगे ये बता रहा, मान लो ये वेक्टर सी है और ये डी है, सी क्रॉस डी निकालना है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, सी के अलोंग कर्ल किए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, एक्यूट हो गया ऑब्टूस, अथर्म तुम्हारा क्लियर हो गया, तो लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये ट्वेल्थ में बहुत जरूरत पड़ती है, इनफैक्ट इलेवेंथ में भी थोड़ा पड़ता है, बट ट्वेल्थ में ज्यादा पड़ता है, स्ट्रेच योर फिंगर अलोंग फर्स्ट वेक्टर, कर्ल योर फिंगर टूवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, और किस डायरेक्शन कैसे करोगे, तो जो स्मॉलर एंगल है 180 से, जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर उसके सेंस में करना है, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, सो ये लिख लिया बच्चों। अब कोई कहेगा कि सर अगर मुझे ना बी क्रॉस ए निकालना, जैसा कि किसी बच्ची ने पूछा, तो बी क्रॉस ए निकालना तो क्या करेंगे, पहले स्ट्रेच करेंगे फिंगर बी के क्रॉस, बी के क्रॉस स्ट्रेच किया, ए की तरफ कर्ल करना चाहेंगे, ऐसे नहीं होगा, तो हमें अब मजबूरी में हाथ ऐसे करना पड़ेगा, बी क्रॉस ए अब हो रहा है इनटू द प्लेन, तो देखना अगर बी क्रॉस ए, बी क्या होगा, बी ए साइन थीटा, अगर हमने इस डायरेक्शन को एन कैप कहा है तो इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, नो इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए बी साइन थीटा लिखो या बी ए साइन थीटा लिखो ये तो मतलब नहीं है, बट ये डायरेक्शन सिर्फ मतलब है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस होगा, ऑल दो मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, यहां तक में किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, डॉट प्रोडक्ट में बच्चों था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट यहां पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक्चुअली जस्ट अपोजिट है ना, इसलिए हम हर चीज बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस बता दिया, तो नेक्स्ट जो है तुम लोग समझ गए होगे कि क्या करना है, नेक्स्ट तुम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो लिखो, जैसे वहां कंपोनेंट वाला टर्म था ए डॉट बी में, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हितेश तुमने काफी लेट ज्वाइन किया, कम से कम शुरुआत से करते तो थोड़ा समझ में आता, कोई बात नहीं, लेक्चर्स जो होते हैं 7:30 टाइम रहता है, बट मैं ही थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो 7:40 तक तो स्टार्ट हो ही जाता है लेक्चर्स, जो नए बच्चे हैं हितेश एंड एक और हर्षिता, हर्षिता ने तो आज शायद पहले ही ज्वाइन कर ली थी टाइम से, अथर्व बादे बहुत सोच रहा है, अगर एंगल 180 हो जाएगा तो कोई भी डायरेक्शन से कर लो, लेकिन साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, वो नल वेक्टर हो जाएगा, गुड अथर्व, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज व्हाट, दिस इज ए, दिस इज बी,
और मुझे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज a b साइन थीटा. लेट्स टॉक अबाउट b साइन थीटा. थीटा इज द एंगल. अच्छा मैंने वहां लिखा नहीं थीटा का एंगल बिटवीन a एंड b. थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b लिख लेना. क्या करना है बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ये होता था b cos थीटा और ये होगा b sin थीटा. इसको पैरेललोग्राम बना लो, दो वेक्टर से मिला करके पैरेललोग्राम बना लो. तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट. सो व्हाट इज दिस, बेस इनटू हाइट, ये हाइट है. So this is area of तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देख लिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताएगा उस दो वेक्टर को लेकर के, एडजेसेंट साइड लेकर के एक पैरेललोग्राम बनाया तो उसका एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताएगा. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. और अब तुम में से कोई ऐसा भी सोच सकता है कि अगर मान लो सर ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल ए क्रॉस बी से ए और बी से मिला के अगर ये ट्रायंगल बना लिया तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू. बहुत सही बता रहे हो, मुझे समझ में आ गया, इसका हाफ हो जाएगा. तो देखो अभी जब हम एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे तो एक्चुअली यहाँ पे बता दिया, एप्लीकेशंस में मैं बताऊंगा, फिर से बोलूंगा. अच्छा हमने कहा हाफ ऑफ द एरिया right. तो अगर दो वेक्टर दिया जाएगा वो दो वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा या दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया हम आराम से बता सकते हैं. ठीक है ना, सिर्फ वो दो वेक्टर चाहिए, आई कैप जे कैप में दिया रहेगा. तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसको लिख लो. अब हमें पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट. प्रणव ने कहा सब क्लियर है, बहुत बढ़िया प्रणव. सो A क्रॉस B का डेफिनेशन है A B साइन थीटा एन कैप. अगर मैं पूछूं कि A क्रॉस A सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो क्या होगा, A इंटू साइन जीरो एन कैप. लेकिन साइन जीरो क्या होगा, जीरो, तो ये क्या हो गया, नल वेक्टर हो जाएगा. ए क्रॉस ए विल बी नल वेक्टर, बी क्रॉस बी विल बी नल वेक्टर, आई क्रॉस आई विल बी, आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी नल वेक्टर. श्यामा ने बताया सर जीरो, बहुत बढ़िया. मुझे चाहिए आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप. पहले ये लिख लो, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. आई कैप जे कैप के कैप.
ठीक है, ये तीनों एक्सिस मैंने पहले भी मेंशन किया था, बट आज कुछ हम नया भी सीखेंगे। देखो मुझे निकालना है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो कहोगे सर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, ये इनटू दे रहा है अलजेब्रा अपना इनटू 1 × 1 इनटू साइन, कितना दोनों के बीच में एंगल है 90, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, आई क्रॉस जे इधर, और इसी को हमने लिया के कैप। अब सारे बच्चे सुनना, तुमने आई इधर मान लिया, जे इधर मान लिया, अब ये कन्वेंशन है कि के कैप तुम्हें इधर ही मानना पड़ेगा, तुम के कैप इनटू द प्लेन नहीं ले सकते हो। That means, ये जो लिखा ना आई कैप जे कैप के कैप राइट हैंड कर्ल रूल के अलोंग ही होगा। तो अभी तक तुम्हें ये हमने नहीं बताया था, हमने हमेशा एक्स वाई जेड इधर ले लिया। अगर मैं कह दू कि मैंने वाई इधर लिया है और एक्स इधर लिया है, सॉरी एक्स इधर लिया है और वाई इधर लिया है, तो जेड किधर होगा, तो एक्स आई कैप क्रॉस जे कैप जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस इनटू द प्लेन लेना पड़ेगा। तो तुम दो एक्सिस अपने मन से चूज कर सकते हो कोई भी, लेकिन तीसरा मस्ट बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कर्ल रूल, ये कन्वेंशन सभी को फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंगली सारा चीज डिराइव्ड है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, तो देख लेना ऐसे ही लेते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर ही होगा, तो ये ले लिया। अब अगर मैं पूछूं दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैप, सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के, नाउ बच्चों राइट हैंड करना है, जे क्रॉस के, तो स्ट्रेच योर फिंगर एक अलोंग जे, के किधर है इधर, जे क्रॉस के, थंब इज अलोंग आई कैप, सारे बच्चे एकदम साथ साथ अपना हाथ भी ऐसे घुमाते रहेंगे, सिर्फ मेरा देखना नहीं है, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, स्ट्रेच योर फिंगर लाइक दिस, दिस इज के, आई इधर है, के क्रॉस आई जे। अगर मैं पूछूं जे क्रॉस आई क्या होगा, जे जे क्रॉस आई कहोगे जे क्रॉस आई, तो ऐसे होगा नहीं, तो तुम्हें कहना पड़ेगा जे क्रॉस आई माइनस के कैप, यहां तक लिखो बच्चों। एक क्या करते हैं हम लोग, एक शॉर्टकट देखते हैं टू फाइंड दिस, कि मुझे थोड़ा सा आसान पड़े, अदरवाइज ये तो थोड़ा मुश्किल है। देखो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, एक सर्कल ड्रॉ करो, ड्रॉ सर्कल, और यहां पे लिख दो आई जे और के, आई कैप जे कैप के कैप, किस ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज में, ये ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज में, एरो भी ऐसे पुट कर दो। अब ये फिगर तो ध्यान में रखना तुम्हें, कुछ टफ है नहीं, आई जे के हमने एंटी क्लॉकवाइज में सर्कल पे पुट कर दिया। अब बताता हूं आई क्रॉस जे, ये एरो के डायरेक्शन में गए एंटी क्लॉकवाइज में, आई क्रॉस जे तो तीसरा होगा के, जे क्रॉस के तो तीसरा होगा आई कैप,
तो कंजुकेटिव दो का लेंगे तो तीसरा हो जाएगा इफ यू गो इन एंटी क्लॉकवाइज एरो के डायरेक्शन में. लेकिन अगर उल्टा गए जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज में गए एरो के अपोजिट जे क्रॉस आई माइनस के आई क्रॉस के माइनस जे के क्रॉस जे माइनस आई. बस ये ध्यान देना होगा. ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और एक बार बस समझ लो कि सर ने क्या कहा. बच्चों हमने क्या किया अभी ए का वैल्यू दे दिया बी का दे दिया वैल्यू कुछ दे दिया ए क्रॉस बी निकालना है. ए लिखा क्रॉस बी जिस ऑर्डर में दिया वही ऑर्डर में देन ओपन इट मेंटेन द ऑर्डर टू आई कैप क्रॉस जे कैप. तो पहले आई तो पहले आई क्रॉस जे फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ इसे इसके इसके साथ माइनस थ्री जे क्रॉस के. फिर हमने देख लिया आई क्रॉस जे क्या होता है आई क्रॉस के क्या होता है जे क्रॉस जे जीरो होगा नल वेक्टर होगा जे क्रॉस के देख लिया और पुट कर दिया. लेकिन तुम्हें लगा होगा कि डॉट प्रोडक्ट आसान था सर और ये थोड़ा डिफिकल्ट है सर सर्टेनली थोड़ा मेहनत लगता है. हालांकि अभी तो मैंने इसमें दो ही दिया इसमें भी दो दिया बट इसमें भी तीन होता आई जे के इसमें भी आई जे के तीनों होता तो थोड़ा और बड़ा हो जाता थोड़ा और मुश्किल होता दो तीन मिनट लग जाते निकालने में और गलती करने के भी चांसेस है. कभी गलती से लिख दिया I क्रॉस J को मान लो I क्रॉस J होता है K माइनस के लिख दिया गलती से क्योंकि हर जगह ध्यान देना है. तो इसका भी हम लोग देखते हैं उपाय क्या होगा बट अभी तो इतना लिख लो. तो जिन बच्चों को नहीं समझ में नहीं आया उनको लिए दोबारा मैं कर रहा हूं. A क्रॉस B लिखना है तो सबसे पहले A लिख लो माइनस टू जे का ए लिख लिया क्रॉस बी लिख रहा हूं थ्री जे कैप ये जे लिख रहा हूं बच्चों प्लस टू के कैप. नाउ ओपन दिस हम ऐसे ओपन कर सकते हैं बट ऑर्डर को मेंटेन रखना है. जैसे आई क्रॉस जे कांस्टेंट तो बाहर ले लिया थ्री I क्रॉस J, फिर इसका इसके साथ जैसे अलजेब्रा में करते थे टू बाहर I क्रॉस K प्लस इसका दोनों के साथ हो गया. अब इसका लेते हैं इसके साथ यू हैव टू मेंटेन योर ऑर्डर तो जाएगा तीन इंटू दो छ माइनस सिक्स J क्रॉस J फिर इसका इसके साथ माइनस फोर जे क्रॉस के. थ्री आई क्रॉस जे देखो आई क्रॉस जे के कैप थ्री के कैप प्लस टू आई क्रॉस के उल्टा आ गए तो माइनस जे ये हो जाएगा जीरो प्लस फोर जे क्रॉस के जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप माइनस था तो माइनस सो इसको अरेंज करके लिख लिया माइनस फोर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप. This is your answer. जो बच्चे खुद से किए मिलाओ कि क्या हमने मिस्टेक किया है तूने किया है. बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजा है बहुत बढ़िया. सुमेश ए क्रॉस बी लिखना है मुझे याद नहीं मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया. ए क्रॉस बी में बच्चों ऐसे मैट्रिक्स लिखते हैं और मैट्रिक्स ओपन करने का मेथड यह है बट दूसरे में भी एक्सप्लेन करूंगा सवाल में. बच्चों बताता हूं ये निकालना ए क्रॉस बी
तो पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखा, फिर आई कैप का कोएफिशिएंट ए का, ए वाला पार्ट पहले लिखना है, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे वन है, फिर बी वाला कोएफिशिएंट आई कैप का यहाँ पे वन, जे कैप का थ्री, के कैप का टू। सो यही हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी, बट इसको ओपन करना पड़ेगा, मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। तो ओपन करने का तरीका बताया, सबसे पहले आई ले लो और कहा कि आई से जो कॉलम है उसको छोड़ दो, आई से जो रो है उसको छोड़ दो, बचा ये पार्ट। इस पार्ट में दिस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो पहले ये फिर ये, तो ये कहेंगे तो माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, फिर लिखेंगे ये प्लस आई लिया तो माइनस जे, ये वाले कॉलम को छोड़ दो, ये वाले रो को छोड़ दो, बचा ये चार, एक दो तीन चार, दिस माइनस दिस, ऑर्डर यही रखना है, पहले ये फिर ये, हो जाएगा फोर माइनस वन, माइनस के बाद अब प्लस, प्लस के कर दिस माइनस दिस, सिक्स माइनस माइनस वन, आ जाएगा माइनस फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप। और सब लोगों ने सही सही सॉल्व किया, हर्षवर्धन, अजिंक्य, विधि, कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो अब निकाल ही लोगे, मेथड क्लियर हो गया, एक सवाल ही कर लिए काफी है, इनफैक्ट दो कर लिया। अगर इसके पहले वाला तुम जो किए थे उसको अगर चेक करना है, जैसे एक और सवाल कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू मान लो दिया हुआ है टू आई कैप माइनस जे कैप, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस फोर के कैप, तो ए क्रॉस बी निकालना है। मैं बताता हूं कैसे लिखना है, बस लिख रहा हूं मैं मैट्रिक्स मेथड से, देखो आई पहले आई जे के, आई कैप का कोएफिशिएंट टू, जे कैप का माइनस वन और के कैप इसमें है नहीं तो जीरो, बी आई कैप वन, जे कैप नहीं है तो जीरो, के कैप फोर, और उसको ओपन कर लोगे तो बच्चों ये भी हो जाएगा क्लियर है। सो नेक्स्ट क्या है बच्चों, तुम्हें पता है एप्लीकेशन, ये निकाल लेना, ये तो कर ही लोगे। एप्लीकेशंस पार्ट में सबसे पहला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वी कैन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर्स, या पैरेललोग्राम का भी एरिया कर सकते हैं और साथ में ट्रायंगल का भी एरिया कर सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जहां पे A and B are adjacent vector along adjacent side.
ठीक है, तो इसमें मैं सवाल दूं, चूंकि अभी टाइम हो रहा है और हम पीछे हैं, तो ये हम इसमें सवाल नहीं दे रहे, बट तुम कर लोगे। एक सवाल तो बनता है, लिख लिया ना ये? यस सर। अब एक सवाल मैं कर लेता हूं जो थोड़ा सा टफ होगा, बहुत टफ नहीं। अगर साइड दे दिया, मान लो कह दिया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना, तो ए क्रॉस बी का माइनस टू निकालो, ए क्रॉस बी निकालोगे माइनस टू लिखोगे और इसका हाफ कर दोगे। मैग्नीट्यूड बताना, एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना। बट अगर सवाल दे दिया थोड़ा टफ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सपोज सी है, कुछ दे दिया, मान लो कि ये है जीरो, सॉरी 3, 2, 1, ये दे दिया 2, कुछ भी ऐसे लिख रहे हो, 2, 3, 0, ये बी दे दिया, फोर कॉमा वन, ये तीन पॉइंट दे दिए बच्चे, तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर ये तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया तो इन तीनों से मिलाकर के ट्रायंगल तो बन जाएगा, और ये ट्रायंगल बोर्ड के प्लेन में नहीं है, मैंने 3D में दिया है, बट दिखा दिया है बोर्ड के प्लेन में, बट एक ट्रायंगल है। तीन पॉइंट को भी मिला दो, तीनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दो तो वो ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। प्रोफेसर ये कैसे होगा, आपने तो कहा था कि दो साइड वेक्टर दोगे तो मैं निकाल लूंगा, आपने तो कोऑर्डिनेट दे दिया। बच्चों कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम कहोगे सर अगर आपने मुझे ये वेक्टर दे दिया होता, ये वेक्टर दे दिया होता, अगर सीए वेक्टर मुझे पता होता, अगर मुझे सीबी वेक्टर पता होता तो हम निकाल लेते कि मैग्नीट्यूड ये होता। आंसर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन आपने तो कोऑर्डिनेट दिया है, तो किसी बच्चे को चमकेगा कि सर ने तो ये पढ़ाया है कि अगर ओसी वेक्टर पता है तुम्हें, ओए वेक्टर पता है, तो सीए तो निकाल ही लेंगे। तो सीए वेक्टर क्या हो जाएगा, सीए वेक्टर विल बी ओए माइनस ओसी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। फिर कहोगे सीबी वेक्टर क्या होगा, सीबी वेक्टर विल बी ओबी फाइनल माइनस इनिशियल, और सीए वेक्टर का लिखा तो ओ इज इक्वल टू, ओ ए क्या होगा 3i कैप + 2j कैप + k कैप माइनस ओसी क्या होगा 2i कैप + 3j कैप प्लस जीरो के कैप। अब ये कर लोगे तो क्या आ जाएगा 3i कैप - j कैप + k कैप, ये हो गया तुम्हारा सीए वेक्टर। सीए वेक्टर ऐसे ही लिख लोगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा उसका मॉडुलस ले लोगे। कैन वी सॉल्व दिस? मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है, इस तीनों से मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। तीनों से मिलाकर जो ट्रायंगल बना उसका एरिया निकालना है। अब तुम कहोगे सर आपने जो सिखाया है कि अगर दो वेक्टर है
ए और बी, इससे जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया हमने सिखाया ए क्रॉस बी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो और हाफ कर दो, बिकॉज ये पैरेललोग्राम का एरिया तो ये ट्रायंगल का एरिया। लेकिन यहां पे तो मैंने दिया नहीं वेक्टर्स, तो किसी को चमकेगा, अथर्ड को चमकेगा कि सर अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुझे दो वेक्टर चाहिए। सपोज सी ए वेक्टर अगर मैं लिख लिया, सपोज सी बी वेक्टर मुझे पता चल गया, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए क्रॉस सी बी, ये हो जाएगा। तो क्या मुझे सी ए लिखने आता है, क्या मुझे ये वेक्टर लिखने आता है, तो आज का स्टार्टिंग का लेक्चर्स में ही स्टार्ट में बताया ये वेक्टर कैसे लिखते हैं। सी ए वेक्टर इज कैसे लिखना है, तो ओ सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ सी प्लस सी ए इक्वल टू ओ ए। So CA is equal to CA is equal to OA minus OC. OA minus OC. देखो OA लिख लिया, OA लिखने आता है, तीन दो एक है तो 3i cap, y coordinate में 2j cap, k z coordinate 1 है तो plus k cap, minus OC 2i cap plus 3j cap और ये जीरो है तो जीरो k cap। So विधि बताना, क्या ये समझ में आया कि how to find CA? Yes sir, clear। चलो clear। तो CB कितना होगा ये लिख लो, CB यहां से लिख रहा हूं, CB कितना हो जाएगा, CB मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, CB OB माइनस OC, OB है 4i cap plus j cap plus k cap, तो 4 minus 2, CB हो जाएगा 2i cap, 1 minus 3, minus 2j cap, 1 minus 0 plus k cap, तो CB हो गया तुम्हारा 2i cap minus 2j cap plus k cap, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो मैट्रिक्स मेथड से। शायमा ने सॉल्व करके निकाल लिए, शायमा एक बार चेक करो क्या आया है। दिस क्रॉस दिस निकालना है, आई कैप माइनस वन प्लस टू, माइनस जे कैप, इसका इसका लेंगे, वन माइनस टू माइनस वन प्लस के कैप माइनस टू और माइनस ऑफ माइनस टू जीरो, सही लिख रहा हूं, माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज सी ए क्रॉस सी बी, सो एरिया विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए क्रॉस सी बी, आई कैप प्लस जे कैप,
देखना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, 1 + 1 × 2 इसका मैग्नीट्यूड √2, सो आंसर इज 1/√2। अब क्या करते हैं, हमने एक डायगोनल का एडजेसेंट साइड है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो बताया एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। मैं अगर कहूं कि चलो एक काम करता हूं, मैं डायगोनल्स देता हूं, ये हो गया d1 वेक्टर और ये हो गया d2 वेक्टर, d1 d2 मतलब एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स दिया हुआ है, तो d1 क्रॉस d2 क्या होगा मुझे इसके एरिया के टर्म में बताना है, d1 क्रॉस d2। कहोगे सर मुझे तो पता है कि अगर ये a होता, अगर ये a होता, ये b होता, अगर ये a और ये b होता तो d1 क्या लिखते, a प्लस b लिखते, याद है पैरेललोग्राम का एक डायगोनल a प्लस b और एक डायगोनल a माइनस b, और ये क्या होता, ये डायगोनल देखो तो ये a माइनस b है, माइनस b प्लस a ये वाला वेक्टर है, a माइनस b है या नहीं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो d1 क्रॉस d2 बच्चों ये है, तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। अब मुझे पता है कि ये a क्रॉस है तो पता है ये जीरो है, माइनस a क्रॉस b को लिख सकते हैं b क्रॉस a, ये माइनस साइन ले लिया, ये b क्रॉस a और ये जीरो, दैट इज आ गया 2b क्रॉस a। That means d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको नोट डाउन कर लो, श्यामा ने बहुत सही बताई, नयन कहां पर दिक्कत आई, नयन पटेल बताओ, एक बार खुद से ये ट्राई करो, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, जस्ट रीड दिस बाय योरसेल्फ। यस सर। नयन एक बार देखो, स्टिल दिक्कत है तो मुझे बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हां बोलो सर, d1 into d2 हमने हमें कैसे फाइंड किया कि वो a प्लस b और a माइनस b है, ये कैसे फाइंड किया, ये मैंने बताया था, ये मान लो a है और ये b है, मतलब ये b है, तो d1 क्या है, a प्लस b d1 है, a प्लस बी हो जाएगा d1 और d2 मैंने ये लिखाया था अनिकेत, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जब पढ़ाया था ना तो बताया था ये, बट स्टिल कोई बड़ी चीज नहीं है, यहां से भी देख सकते हैं, ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये हो गया माइनस बी प्लस ए,
तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम में अगर एक वेक्टर ए लिया एक वेक्टर बी लिया एडजेसेंट साइड, तो एक डायगोनल होगा ए प्लस बी जो दोनों के टेल से पास करने वाला डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल होता है ए माइनस बी. सो नोट इट डाउन. नैन फाइनल बताओ, क्लियर हुआ या नहीं, या कहीं दिक्कत है? क्लियर है सर. चलो बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूं ये. अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन था. सेकेंड एप्लीकेशन, मुझे पता है ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, बिकॉज ये जो होता है दिस इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी. अगर कभी कोई सवाल पूछ दे कि ए और बी मिलकर जो प्लेन बन रहा है उसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखो, या यूनिट वेक्टर लिखो, या किसी भी मैग्नीट्यूड का 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लिखो, तो क्या करेंगे, कहेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे और वो एक वेक्टर होगा जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे और डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, यूनिट वेक्टर हो जाएगा. और ये ए क्रॉस बी लिखेंगे बी क्रॉस है तो जस्ट माइनस होगा, तो प्लस माइनस दोनों परपेंडिकुलर है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी. इसको लिख लो. तो मैंने एक सवाल ले लिया कि राइट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी. सी वेक्टर ये दे दिया, डी वेक्टर ये दे दिया, तो बहुत क्विकली देखो निकाल लो सी, आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया. And then C 1 2 0 D 1 1 1 ओपन करो कितना होगा. सो ऐसे लिख लिया, इसको सॉल्व किया तो ये वेक्टर आ गया है ना, तो ये वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर चाहिए, ये लिख लिया. So this is a vector perpendicular to C as well as this is a vector perpendicular to D. और अगर किसी को विश्वास नहीं है कि सर perpendicular है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, आप कैसे श्योर हो, या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने नहीं कर दिया, यू कैन टेक डॉट प्रोडक्ट, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, टेक द डॉट प्रोडक्ट, इट शुड कम 0 2i.i + 2 माइनस टू, यहां है नहीं, जीरो आ गया, इसका इसके साथ ले लो, जीरो आ जाएगा, चेक, यू कैन चेक इट. सो अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, बट आज का टाइम हो गया है, तुम लोगों का कुछ रिविजन लेक्चर्स भी होंगे. बस एक लास्ट पॉइंट पे इन कर रहा हूं, अगर मैं कहूं बच्चों ए क्रॉस बी ये एक वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है बी के भी परपेंडिकुलर है, सो ये क्या होगा, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, व्हाट विल बी दिस, इज इट 0? कोई भी मैसेज करो कि हां सर 0 है या नहीं. यस, शुभम ने कहा 0, चलो मान लिया. उसके बाद अगर ये चमक गया ए क्रॉस बी डॉट बी, ये भी 0 होगा. क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है,
और अगर मैं कहूं ए क्रॉस बी डॉट 2a प्लस 3b, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, जस्ट समझोगे क्यों जीरो होगा। हितेश ने कहा नॉट जीरो। हितेश तुमने शायद डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा होगा। हितेश ए क्रॉस बी और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये हमने एक क्लास पहले पढ़ाया है। जो नए बच्चे हैं हितेश हर्षिता आनंद, तो वो डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर देख लोगे, वेक्टर का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से देख लो, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो बच्चों तुम परेशान नहीं होना जो लेक्चर आज नया अटेंड कर, तो क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ चीजें बची रह गई है, एक लेक्चर और चाहिए, वेक्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना, एंड देन वी विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स।